हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 32 तक यानी सेट 32 तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोग 800 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 33 होगा। तो दोस्तों, जो लोग आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी पेपर होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस चैनल पे। तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आज का। आज का क्वेश्चन 801 नंबर से स्टार्ट होगा। और जो लोग अभी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए, और जितने भी वीडियो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको सब मिल जाएंगे। ये 800 क्वेश्चन ही नहीं, इसके पहले और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं जो आपके पेपर में आते हैं और आने ही हैं, वो सब भी मैंने कराए हैं। और भी सांस्कृतिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। आज का एक नंबर क्वेश्चन है, यानी 801 नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो है ललितपुर, करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पे हुआ था। ये पूछ रहा है कहां पे हुआ है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हैं थे, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है। तो उनका जन्म स्थान है इलाहाबाद में, और इनकी कब हुआ था जन्म, ये 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था, उसी समय हुआ था। तो याद रखिएगा, ये डेट याद करने की तरीका है, 1905 बंगाल विभाजन, 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म। तो कहाँ पे हुआ था, हुआ था इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर इसका सी है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। ये मैं बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ऑप्शन ऐसे में देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है। गुजरात की इन सब ऑप्शन में से सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कबीर अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, और ये हो भी चुकी है। तो ये हुई है कहाँ पे, मगहर में हुई है, अभी काफ़ी न्यूज में था, आप लोगों को पता होगा। तो करेक्ट आंसर बी है। फिर आगे क्वेश्चन है 805 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है। ये देखिएगा, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है 98.4 फारेनहाइट होता है, 98.4 फारेनहाइट। करेक्ट आंसर बी है। फिर आगे देखते हैं, इंद्रधनुष बनने के क्या कारण है। कोहरा, ठंड, पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन, यही होता है। करेक्ट आंसर सी है इसका। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सारा पार्ट जो हम लोग करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करिए, या देखते देखते अगर आप क्वेश्चन खुद से कर ले रहे हैं, तो अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। 25 क्वेश्चन में से कितना अटैम्प्ट करते हैं, कितना सही होता है, तो ऐसे होगा क्या, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ज़्यादा ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, कम करते हैं तो पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तो और भी अच्छे से पढ़ाई आपकी होती रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे। तो ये आप डेली अगर करेंगे तो सही रहेगा। 808 नंबर, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है। तो टंगस्टर होता है, करेक्ट आंसर सी है। और यही प्रैक्टिस सेट आप लोग खरीद के, बहुत लोग मतलब इसको खरीद के करवा रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन मिलेंगे, आप चाहे तो खरीद के देख सकते हैं, तो आपको फ्री में मिल रहा है यहाँ पे। तो और भी ये सही, बहुत सारी बुक जो होती हैं उसको यूज करके ये क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 808 नंबर, विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है। तो ये है बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। लोहे की गेंद, आगे क्वेश्चन है 809 नंबर, लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो जहाज है वो तैरता रहता है, क्यों। ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपल सा इसका आंसर होता है, जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से अधिक होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। तो वो राज्य था उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। फिर 811 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है। जरीब में एक नापने की इकाई होती, नापा जाता है जिससे, उसको पूछ रहा है। तो फीता ये भी होता है, छल्ला होता है, गट्ठा भी होता है, तो ये सारे होते हैं जरीब के हिस्से।
फिर आगे चलते हैं 812, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहता है, ये आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, कुछ भी करिएगा, करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 813 नंबर, एक खगोलीय इकाई दूरी है किसके बराबर होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए। फिर आगे चलते हैं 814 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तारा पूछ रहा है कौन सा समीप है, तो सूर्य है, ध्रुव तारा नहीं है, अल्फा सेंचुरी भी नहीं है, सूर्य, ये ध्यान रखिएगा, तारा पूछ रहा है, सूर्य करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तारे का रंग सूचक क्या है? 815 नंबर क्वेश्चन है, तो है उसके ताप का, तारे का रंग सूचक क्यों है? उसका ताप टेम्परेचर जो होता है उसी के कारण उसका रंग सूचक वो चमकता रहता है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, 815 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 816 नंबर चलते हैं, विधान परिषद, 816 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस अवधि तक? तो 6 माह तक रोक सकती है, करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर आगे चलते हैं, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म है, ये नहीं करता बिल्कुल, भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, हाँ सब लोग अलग अलग धर्मों के अलग अलग अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और तो बी भी नहीं होगा, धर्मानुपालन व्यक्ति को इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव यही है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 818 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हुए थे कुल 12 अधिवेशन हुए थे, करेक्ट आंसर सी है। 819 नंबर क्वेश्चन है, आठ सौ उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा का है, सिक्किमपुर हिमाचल का है, मणिपुर का नहीं है, करेक्ट आंसर इसका डी है, 819 का डी। फिर 820 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति नहीं ले सकता, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं ले सकता, महाधिवक्ता भी नहीं ले सकता, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं ले सकता, हाँ करेक्ट आंसर इसका डी है, महान्यायवादी जो होता है संसद के दोनों सदनों में किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, और कभी कभी ये पूछ सकता है कि जो मान्यवादी होता है वो संविधान कौन सा आर्टिकल में आता है, तो मान्यवादी आता है 76, आर्टिकल नंबर 76 में आता है मान्यवादी। फिर चलते हैं निम्नलिखित में आगे, क्वेश्चन 821, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो है, यानी 42 अमेंडमेंट जो है वो संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है, और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिनको मैं आपको दिखाता हूँ, ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं अभी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, बार बार कहीं कहीं पूछ लेता है किसके अंतर्गत आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 तक ये पूरे मौलिक कर्तव्य हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो ये 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं, और ये संविधान के भाग 4 क के जो आर्टिकल 51 क है, यानी अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। ये हो गया 42वां, करेक्ट आंसर इसका 821 का ए हो गया। फिर 822 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह 110 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 110 में धन विधेयक दिया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 110 धन विधेयक। फिर 823 नंबर, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन, करेक्ट आंसर बी है। फिर उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रेसेदार प्रोटीन है, रेसेदार प्रोटीन कौन सा है? तो वो है इसमें हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये नहीं है, कीरेटीन है, कीरेटीन होता है, रेसेदार प्रोटीन होता है। फिर 825 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, राज्यसभा
एक स्थायी सदन है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। तो हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? तो जो एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई भी आपका कमेंट या सजेशन या क्वेरी कुछ भी होती है तो आप कमेंट करके बताइए, हम लोग आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।